आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रुप में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आपके दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात ज़ाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइप थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिट काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ये नहीं जानते होगी बाकी जो कलाकार हैं जैसे कि प्रतिभा रान्टापर श्रीवास्तवा प्रतान सिंह गोयल छाया कदम सतेंद्र सोनी समर्थ मोहर परंजल प्रराठिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे हो लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रनटाम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2023 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये जरूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम प्रेम की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो जाते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो जोड़े होते हैं वो एक ख़ास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस पर श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मुर्दे के जो ट्रेन है वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ त्वितीय का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेकर आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पर जो सभी धुलने थी उनके चेहरे पर मुँगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूजन था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रानता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर हमको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वायप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी है वो ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खैर मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगे आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा को में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आप भी दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूं हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइफ थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिट काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ये नहीं जानते होंगे बाकी जो कलाकार हैं जैसे कि प्रतिभा रान्टा स्पर श्रीवास्तव प्रतान गोयल छाया कदम सतंद्रा सोनी समर्थ मोहर परंजल पराटिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे हो लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मैन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिलेंगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रन टाइम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2023 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये जरूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात यह भी है कि जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम पर की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो जाते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो, जो जोड़े होते हैं वो एक खास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस पर श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मूर्ति का जो ट्रेन वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ तृतीया का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेके आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी दुल्हनें थी उनके चेहरे पर मुँगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूज़न था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रानता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर हमको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वैप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी है और ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खैर मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रुप में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर भी दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर दे दा हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइफ थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिट काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ये नहीं जानते होंगे बाकी जो कलाकार है जैसे कि प्रतिभा स्पर्श श्रीवास्तवा प्रतंशी गोयल छाया कदम सतेंद्रा सोनी समर्थ मोहर परंजल प्राटिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते हो, नहीं जानते हो लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मैन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रन टाइम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि दो की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये ज़रूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम प्रेम की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो जाते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो जोड़े होते हैं वो एक ख़ास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस परत श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मुर्दे के जो ट्रेन है वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ द्वितीय का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेके आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी दुल्हनें थी उनके चेहरे पर मुगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूज़न था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रंता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर आपको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वैप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी है वो ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खैर मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रुप में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आपके दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइप थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिट काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ये नहीं जानते होंगे बाकी जो कलाकार है जैसे कि प्रतिभा रान्टापर श्रीवास्तवा प्रतान सिंह गोयल छाया कदम सतेंद्रा सोनी समर्थ मोहर परंजल प्रराठिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आप आपको जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रनटाम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2023 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये जरूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम प्रेम की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो जाते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो जोड़े होते हैं वो एक ख़ास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस पर श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मुर्दे के जो ट्रेन वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ द्वितीय का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेकर आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी धुलने थी उनके चेहरे पर मुगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूजन था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रंता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर हमको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वायप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी है वो ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खार मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगे आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रुप में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आपके दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूं हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइफ थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिट काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ये नहीं जानते होंगे बाकी जो कलाकार हैं जैसे कि प्रतिभा रान्टा स्पर श्रीवास्तवा प्रतान गोयल छाया कदम सतेंद्रा सोनी समर्थ मोहर परंजल पराटिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे हो लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मैन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रन टाइम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2030 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये जरूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रॉट एंड टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम पर की है तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो चाहते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनके जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो जोड़े होते हैं वो एक खास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस पर श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मूर्ति का जो ट्रेन वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ त्वती का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेके आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी दुल्हनें थी उनके चेहरे पर मुँगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूज़न था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रानता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर हमको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वैप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी है और ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फ़िल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खैर मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रुप में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर भी दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइफ थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिट काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ये नहीं जानते होंगे बाकी जो कलाकार है जैसे कि प्रतिभा रान्टापर श्रीवास्तवा प्रतंशी गोयल छाया कदम सतेंद्रा सोनी समर्थ मोहर परंजल प्राटिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते हो, नहीं जानते हो लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मैन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रन टाइम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2023 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये ज़रूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम फ्रेम की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो जाते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो, जो जोड़े होते हैं वो एक ख़ास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस पर श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मुर्दे के जो ट्रेन है वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ द्वितीय का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेके आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी दुल्हनें थी उनके चेहरे पर मुगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूज़न था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रंता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर आपको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वैप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी है वो ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खैर मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रुप में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आपके दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइफ थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिट काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ये नहीं जानते होगी बाकी जो कलाकार है जैसे कि प्रतिभा रान्टापर श्रीवास्तवा नितंशिंग गोयल छाया कदम सतेंद्रा सोनी समर्थ मोहर परंजल प्रराठिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते हो, नहीं जानते हो लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मैन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टी के ऊपर भी देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रनटाम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2023 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये ज़रूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम प्रेम की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो जाते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो जोड़े होते हैं वो एक ख़ास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस पर श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मुर्दे का जो ट्रेन है वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ त्वितीय का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेकर आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो पर जो सभी धुलने थी उनके चेहरे पर मुँगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूजन था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रानता का है यानी कि दुल्लन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर हमको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वैप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी है और ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खैर मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रुप में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आपके दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूं हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइफ थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिड काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ये नहीं जानते होंगे बाकी जो कलाकार हैं जैसे कि प्रतिभा रान्टा स्पर श्रीवास्तवा प्रतांशिह गोयल छाया कदम सतेंद्रा सोनी समर्थ मोहर परंजल प्राटिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे हो लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मैन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिलेंगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रन टाइम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2023 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये जरूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम फ्रेम की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो जाते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो जोड़े होते हैं वो एक ख़ास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस परत श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मूर्ति के जो ट्रेन वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ त्वितीय का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेके आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी दुल्हनें थी उनके चेहरे पर मुँगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूज़न था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रानता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर हमको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वैप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी है और ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फ़िल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खैर मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि कहा इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रुप में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आप भी दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूं हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइप थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिट काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ही नहीं जानते होंगे बाकी जो कलाकार हैं जैसे कि प्रतिभा रान्टापर श्रीवास्तवा प्रतन सिंह गोयल छाया कदम सतेंद्र सोनी समर्थ मोहर परंजल प्राटिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे हो लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मैन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टी के ऊपर भी देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रन टाइम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2023 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये ज़रूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देख कर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रॉट एन टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम फ्रेम की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो जाते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो जोड़े होते हैं वो एक ख़ास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस पर श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मुर्दे का जो ट्रेन है वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ तृतीया का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेके आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी दुल्हनें थी उनके चेहरे पर मुगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूज़न था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रंता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर आपको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वैप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी है वो ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खैर मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि कहा इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रूम में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आपके दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइब थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिट काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ये नहीं जानते होंगे बाकी जो कलाकार हैं जैसे कि प्रतिभा रान्टापर श्रीवास्तवा प्रतानशिंग गोयल छाया कदम सतेंद्रा सोनी समर्थ मोहर परंजल प्रराठिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे हो लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिलेंगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रनटाम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2023 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये ज़रूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम प्रेम की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो जाते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन खास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो जोड़े होते हैं वो एक ख़ास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस परत श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मूर्ति का जो ट्रेन वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ त्वीय का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेकर आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी धुलने थी उनके चेहरे पर मुगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूज़न था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रानता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर हमको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वैप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी है वो ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खैर मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रुप में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आप भी दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइफ थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिट काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ये नहीं जानते होंगे बाकी जो कलाकार हैं जैसे कि प्रतिभा रान्टापर श्रीवास्तवा पितान सिंह गोयल छाया कदम सतेंद्रा सोनी समर्थ मोहर परंजल प्राटिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते हो, नहीं जानते हो लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मैन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रन टाइम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2030 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये ज़रूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम प्रेम की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो जाते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो जोड़े होते हैं वो एक ख़ास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस परत श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मुर्दे के जो ट्रेन वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ त्वितीय का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेके आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी दुल्हनें थी उनके चेहरे पर मुँगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूजन था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रानता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर हमको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वैप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी या वो ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फ़िल्म है इसकी तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खैर मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रुप में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आप भी दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूं हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइफ थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिड काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ये नहीं जानते होगी बाकी जो कलाकार है जैसे कि प्रतिभा रान्टापर श्रीवास्तवा प्रतंशी गोयल छाया कदम सतेंद्रा सोनी समर्थ मोहर परंजल प्राटिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मैन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आप आपको जो है वो टी के ऊपर भी देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रन टाइम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2023 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये ज़रूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देख कर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात यह भी है कि जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम फ्रेम की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो जाते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो जोड़े होते हैं वो एक ख़ास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस परत श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मुर्दे के जो ट्रेन है वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ त्वितीय का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेके आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी दुल्हनें थी उनके चेहरे पर मुँगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूज़न था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रंता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर आपको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वैप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी है वो ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खैर मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि कहा इस मूवी को हमने सिनेमा को में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आप भी दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूं हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइफ थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिट काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ये नहीं जानते होंगे बाकी जो कलाकार हैं जैसे कि प्रतिभा रान्टापर श्रीवास्तवा श्रीवास्तव सिंह गोयल छाया कदम सतंद्रा सोनी समर्थ मोहर परंजल प्रराठिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे हो लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मैन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रनटाम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2023 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये जरूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रॉट एंड टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम प्रेम की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो जाते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो, जो जोड़े होते हैं वो एक ख़ास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस पर श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मूर्ति का जो ट्रेन वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ तृतीया का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेके आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी दोल्णी थी उनके चेहरे पर मुँगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूज़न था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा प्रांता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर हमको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वैप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी है वो ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खैर मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रुप में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आप भी दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूं हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइफ थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिट काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ये नहीं जानते होंगे बाकी जो कलाकार है जैसे कि प्रतिभा रान्टापर श्रीवास्तवा प्रतंशी गोयल छाया कदम सतेंद्रा सोनी समर्थ मोहर परंजल प्राटिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते हो, नहीं जानते हो लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मैन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिलेंगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रन टाइम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2023 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये ज़रूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट पढ़ते लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ पढ़ते मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम प्रेम की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो चाहते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो जोड़े होते हैं वो एक खास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस परत श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मुर्दे के जो ट्रेन है वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ द्वितीय का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेके आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी दुल्हनें थी उनके चेहरे पर मुँगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूज़न था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रानता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर आपको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वैप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी या वो ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है इसकी तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खैर मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रुप में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आपके दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइब थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिट काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ये नहीं जानते होंगे बाकी जो कलाकार हैं जैसे कि प्रतिभा रानटा रान्टापर श्रीवास्तवा प्रतंशिंग गोयल छाया कदम सतेंद्रा सोनी समर्थ मोहर परंजल प्राटिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे हो लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टी के ऊपर भी देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रन टाइम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2030 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये ज़रूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रॉट एन टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम प्रेम की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कोई खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो जाते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो जोड़े होते हैं वो एक ख़ास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस पर श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मुर्दे का जो तो ट्रेन है वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ त्वितीय का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेके आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी दुल्हनें थी उनके चेहरे पर मुँगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूज़न था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रंता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर आपको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वैप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी है और ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खार मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि कहा इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रुप में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आपके दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि ये आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइप थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिट काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ही नहीं जानते होंगे बाकी जो कलाकार हैं जैसे कि प्रतिभा रान्टापर श्रीवास्तवा श्रीवास्तव सी गोयल छाया कदम सतंद्रा सोनी समर्थ मोहर परंजल प्रराठिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे हो लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मैन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आप आपको जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रन टाइम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2023 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये जरूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रॉट एंड टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम पर की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो चाहते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो जोड़े होते हैं वो एक ख़ास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस परत श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मूर्ति का जो ट्रेन वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ तृतीया का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेके आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी दोलें थी उनके चेहरे पर मुँगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूज़न था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रानता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर हमको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वायप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी है वो ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खैर मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रुप में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आपकी दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूं हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइफ थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिट काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ये नहीं जानते होगी बाकी जो कलाकार हैं जैसे कि प्रतिभा रान्टापर श्रीवास्तवा प्रतंशिंग गोयल छाया कदम सतेंद्रा सोनी समर्थ मोहर परंजल प्राटिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते हो, नहीं जानते हो लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मैन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रन टाइम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2030 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये ज़रूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम प्रेम की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो चाहते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनके जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो, जो जोड़े होते हैं वो एक ख़ास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस परत श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और नितन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मुर्दे के जो ट्रेन है वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ त्वितीय का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेके आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी दुल्हनें थी उनके चेहरे पर मुँगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूज़न था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रानता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर आपको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वैप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी या वो ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फ़िल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खैर मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रुप में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आपके दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर दे दिया हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइफ थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिड काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ये नहीं जानते होंगे बाकी जो कलाकार है जैसे कि प्रतिभा रान्टापर श्रीवास्तवा पितंशि गोयल छाया कदम सतेंद्र सोनी समर्थ मोहर परंजल प्राटिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मैन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टी के ऊपर भी देखने को मिलेंगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रन टाइम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2023 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये ज़रूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रॉट टोमेटो टमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम फ्रेम की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कोई खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो जाते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो जोड़े होते हैं वो एक ख़ास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस परत श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मुर्दे की जो ट्रेन है वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ द्वितीय का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेके आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी दुल्हनें थी उनके चेहरे पर मुंगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूज़न था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रानता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर आपको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वायफ है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी है और ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खार मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा को में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आपके दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूं हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइफ थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिट काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ये नहीं जानते होंगे बाकी जो कलाकार हैं जैसे कि प्रतिभा रान्टापर श्रीवास्तवा श्रीवास्तव सिंह गोयल छाया कदम सतंद्रा सोनी समर्थ मोहर परंजल प्राटिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे हो लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मैन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रन टाइम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2023 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये जरूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात यह भी है कि जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम पर की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो जाते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो जोड़े होते हैं वो एक खास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस पर श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मूर्ति का जो ट्रेन वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ तृतीया का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेके आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी दुल्हनें थी उनके चेहरे पर मुँगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूज़न था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रानता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर हमको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वैप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी है और ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फ़िल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खैर मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रुप में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर भी दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूं हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइफ थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिट काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ये नहीं जानते होंगे बाकी जो कलाकार है जैसे कि प्रतिभा रान्टापर श्रीवास्तवा पितंशि गोयल छाया कदम सतेंद्रा सोनी समर्थ मोहर परंजल प्राटिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते हो, नहीं जानते हो लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मैन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रन टाइम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2023 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये ज़रूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम प्रेम की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो जाते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो, जो जोड़े होते हैं वो एक ख़ास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस परत श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मुर्दे का जो ट्रेन है वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ द्वितीय का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेके आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी दुल्हनें थी उनके चेहरे पर मुँगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूजन था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रंता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर आपको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वैप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी या वो ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खैर मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रुप में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आपकी दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइब थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिट काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ये नहीं जानते होंगे बाकी जो कलाकार हैं जैसे कि प्रतिभा रान्टापर श्रीवास्तवा प्रतान सिंह गोयल छाया कदम सतेंद्रा सोनी समर्थ महोर परंजल प्रराठिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे हो लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टी के ऊपर भी देखने को मिलेंगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रन टाइम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2023 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये ज़रूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात यह भी है कि जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम प्रेम की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कोई खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो चाहते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो, जो जोड़े होते हैं वो एक ख़ास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस पर श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मुर्दे के जो ट्रेन है वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ त्वितिया का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेकर आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी दुल्हनें थी उनके चेहरे पर मुगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूज़न था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रानता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था ज़ाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर हमको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वायफ है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी है और ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खार मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रुप में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूट्यूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आपके दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइफ थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिड काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप ही नहीं जानते होंगे बाकी जो कलाकार है जैसे कि प्रतिभा रान्टा स्पर श्रीवास्तवा प्रतांशि गोयल छाया कदम सतेंद्रा सोनी समर्थ मोहर परंजल पराठिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मैन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिलेंगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रन टाइम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2023 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये जरूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देखकर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रॉट एंड टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम फ्रे की है तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो जाते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो जोड़े होते हैं वो एक ख़ास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस परत श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मूर्ति का जो ट्रेन वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ त्वीय का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेके आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी दुल्हनें थी उनके चेहरे पर मुँगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूज़न था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रानता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर हमको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वैप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी है और ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फ़िल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खैर मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी आज मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और जब आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश इस मूवी को हमने सिनेमा ग्रुप में देखा होता तो वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी के बारे में सभी जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर है क्या यूटूब पर है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करेंगे स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे तो अगर आप भी दोस्तों जो है बॉलीवुड कुछ हटके फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप लोग सही जगह पर आ चुके हैं और आपकी जो पसंद है वो सच में बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं और मैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर देता हूं हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो तो फिल्म की बात करें तो मूवी का नाम दोस्तों लापता लेडीज़ दिया गया है ऐसा इसका नाम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा इस मूवी के अंदर कॉमेडी है ड्रामा है रन टाइम भी इसका बहुत ही कम है तो बात जाहिर सी है कि आपको बोर नहीं कराएंगी और एक ऐसी मूवी बन चुकी है कि जिसे लगभग जो है हर कोई देखना चाहता है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान की जो वाइफ थी उन्होंने ही डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है फिल्म का तो लिट काफ्टी इसके अंदर आप सभी को जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर वैसे रवि किशन भी है और शायद आप नहीं जानते होंगे बाकी जो कलाकार हैं जैसे कि प्रतिभा रान्टापर श्रीवास्तवा प्रतन सिंह गोयल छाया कदम सतेंद्रा सोनी समर्थ मोहर परंजल प्राटिया दुर्गेश कुमार इन्हें शायद आप नहीं जानते हो, नहीं जानते हो लेकिन हाँ इनका भी किरदार बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके दिल को छूने वाला है अब मैन मुद्दे पर आते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है हिंदी के अंदर तो दोस्तों ये जो मूवी है इसे स्ट्रीम कराया गया है नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं जहाँ पर ये जो फिल्म है वो आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये मूवी आपको जो है वो टी के ऊपर भी देखने को मिलेंगी मेरे हिसाब से ये मूवी आपको जो है वो शायद सोनी मैक्स या फिर जो स्टार गोल्ड है उनके टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है रन टाइम इस फिल्म का लगभग जो है वो दो घंटे का आसपास का है जो आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएगा और एक बहुत ही बड़ी बात इसकी जो रेटिंग है वो साढ़े आठ की है हो सकता है कि 2023 की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये ज़रूर शामिल होगी इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और एक नई कहानी है जो कि शायद आपने पहले नहीं देखी होगी और आप इस मूवी को देख कर आपकी जो पुरानी यादें वो भी शायद ताज़ा कर लेंगे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी एट प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया था और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर पूरे सौ प्रतिशत मिले हैं तो कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत पुराने टाइम फ्रेम की है तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जब शादी करते थे फिर वो कुछ खास जगह पर या फिर कोई मन्नत रखते जहाँ पे वो जाते थे और ताकि उनके जीवन जो होता है वो पूरा मतलब अच्छा गुजरे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होता है यहाँ पर कहानी दो जोड़ों की होती है और जो मूवी का हीरो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो बदल बदल जाती है मतलब वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो दिन ख़ास होता है और उस दिन पर बहुत सारे जो जोड़े होते हैं वो एक ख़ास जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन जो काफ़ी सही बीते अब ऐसा ही होता है जो दीपक कुमार है जो उस पर श्रीवास्तव इनका रोल दीपक कुमार का रहता है और निधन सिंह गोयल जो कि फूल का नाम होता है इनसे वो शादी कर लेते हैं और जोड़ा का जो मुर्दे का जो ट्रेन है वो पकड़ता है जहाँ दीपक और उसका परिवार रहता है क्योंकि यहाँ पर वो शुभ त्वीय का दिन होता है और बहुत से लोग जो मन्नतें मांगते हैं और वे एक स्पेशल जगह पर जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बीते लेकिन मूवी के अंदर वो ट्विस्ट तब आता है जब दीपक की जो वाइफ होती है वो बदल जाती है किसी और के साथ और वो किसी और को लेके आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन पे जो सभी दुल्हनें थी उनके चेहरे पर मुगट था तो पहचानना मुश्किल था कि कौन किसकी वाइफ है और क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूज़न था तो यहाँ पर दीपक से गलती होती है और दूसरी लड़की उसके साथ आ जाती है जिनका रोल प्रतिभा रंता का है यानी कि दुल्हन पुष्पा रानी कह सकते हैं और वो उन्हें अपने घर भी लाता है और पुष्पा ने घूंघट खोला तो पूरा परिवार उसे देख कर भी काफ़ी शौक़ हो गया था जाहिर सी बात है कि जो लड़की उन्होंने देखी जिनके साथ उसने चार फेरे लिए अगर वो उसके साथ ना हो तो शौक़ तो लगेगा ही तो आगे वाली जो कहानी है इसके अंदर आपको वही दिखाया गया है कि दीपक अपनी जो असली वैप है उसे कैसे ढूंढती है क्या उसके साथ जो लड़की है पुष्पा रानी है वो ठीक है या नहीं या फिर वो जो है वो अस मतलब अच्छी है या नहीं तो सब कुछ आपको तभी जानने को मिलेगा जब आप इस मूवी को इन्जॉय करेंगे मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी जो फिल्म है इसके तलाश कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपके लिए ही हो सकती है 2023 की एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी शामिल होनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को दोस्तों अवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए तो मैंने इस मूवी को दो सौ देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको भी ज़रूर अच्छी लगेंगी और आपको ये मूवी एक बार देखनी भी चाहिए अगर आप क्वालिटी वाली मूवीज़ देखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिले तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और आपको ये पसंद भी ज़रूर आएंगी खैर मैंने इस मूवी को देखा है बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कमाल की मूवी को मिस नहीं करेंगी